आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे मंदाकिनी कॉल आंटी को। मंदाकिनी आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। आज फिर से मौका मिला है गुरु जी के दरबार में, गुरु जी की संगत में अपना सत्संग सुनाने का। आप सबको नमस्कार। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2005 में स्टार्ट हुई थी। वैसे तो हम कहते हैं कि गुरु जी का कनेक्शन हमारे साथ कब का बिल्ट अप हुआ है वो हमें भी नहीं पता। जब हम फिजिकली मिलते हैं गुरु जी को तो दैट इज 2005 व्हेन वी मेट गुरु जी इन एम्पायर स्टेट, और उसके बाद फिर तो देयर इज नो टर्निंग बैक। आप में से हर कोई जो गुरु जी के साथ कनेक्टेड है जानता होगा कि गुरु जी के साथ कनेक्शन बिल्डअप करने के बाद में कितना प्यारा, कितना मजा आता है। हर एक मोमेंट में हम गुरु जी को याद करते हैं, प्यार से उनके सत्संग सुनते हैं, उनके जो भजन होते हैं वो सुनते हैं। तो 2005 में हम लोग गुड़गांव में शिफ्ट हुए थे एंड हमारे घर के सामने उषा भाटिया आंटी रहती थी, DLF फेज 4 में। एंड वो मेरी मदर लॉ को बोलती थी कि हम गुरु जी के पास जाते हैं मंदिर में, तो आप भी चलो। तो माई मदर लॉ ऑलवेज यूज टू से कि मैं तो साईं बाबा को बिलीव करती हूँ तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपकी श्रद्धा जिसके साथ होती है तो आपका कनेक्शन उन्हीं के साथ देर तक होता है। तो वन फाइन डे मेरे मदर लॉ कहते कि चलो चलते हैं। एंड व्हेन शी केम बैक एंड एम्पायर स्टेट से भारतीय आदि के साथ जब वो वापस आई तो शी वॉज अ डिफरेंट लेडी ऑल टूगेदर। शी सेड मैं कभी मंदिर में जाके इतना नहीं रोई जितना मैं आज रोई हूँ। एंड शी सेज कि नेक्स्ट टाइम तू भी चलना, टू मी शी सेड नेक्स्ट टाइम तू भी चलना। आई डोंट नो, 2005 में हम गए गुरु जी के एम्पायर स्टेट में। पहले तो हम आई बींग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, हमारे डिफेंस में देर इज मतलब एक छोटा सा मंदिर होता है जिसके अंदर सब कुछ, सारे भगवान देवी देवता है सब होते हैं स्थापित और उन्हीं की पूजा होती है। तो लिविंग गॉड एज सच मैंने कभी ना देखा था और ना कभी सुना था। हाँ, पेरेंट्स से कभी यह सुनते थे कि कोई लिविंग गॉड होते हैं, वो सब गॉड होते हैं, तो पर कभी देखा नहीं था। तो जब हम गए एम्पायर स्टेट, तो पहले तो मैं दोनों गुरु जी को देखती रह गई। पहले तो मैं रास्ता देख रही थी कि कितना सुंदर रास्ता है और एम्पायर स्टेट में जाने के लिए जो अंदर हम गेट से एंटर करते हैं तो क्या ब्यूटीफुल बंगलोज हैं। फिर जब हम मंदिर के पास में पहुंचे तो वहां पे एक गणेश जी की मूर्ति थी स्थापित, तो नमस्कार नमन करके हम अंदर गए तो बैठे वहां पे, तो देखा गुरु जी आ रहे हैं चलते हुए। बट मतलब कभी वो मतलब आप ये सोचो कि कभी किसी को ऐसे जाके मिलना हो गुरु जी को तो वो कैसे सोचेगा ना। तो आई वॉज ऑल्सो लाइक दिस कि ये आदमी, ये जो यहाँ पे बैठे हैं गुरु जी, ये कितने सुंदर कपड़े पहन के बैठे हैं, ऐसे होते हैं लिविंग गॉड्स। मतलब मैं अपने मन में ही सोचा करती थी कि ये लिविंग गॉड्स कैसे हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। तो आई बट एक एक कनेक्टिविटी, एक मैग्नेटिक कनेक्टिविटी थी जो हर हफ्ते हमें गुरु जी के एम्पायर से लेकर जाती थी। खूब शांति मिलती थी, मन में बहुत मजा आता था। मतलब यू वॉन्ट बिलीव, लाइक आई वॉज वर्किंग तो ऑफिस से वापस आना और आके गुरु जी के मंदिर में जाना, एम्पायर स्टेट में गुरु जी को देखना, डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटीफुल क्लोथ्स के अंदर जो उन्होंने पहने होते थे। एंड गुरु जी का जो एक ऑरा है और जो उनके फेस पे एक नूर होता था वो मतलब दैट इज अनस्टेटेबल। वो एक खिंचाव था जो हर हफ्ते मुझे गुरु जी के मंदिर में लेकर जाता था। एंड आई यूज टू कीप सिटिंग देयर और जैसे जो जो बोलते थे हम वो करते थे। एंड गुरु जी ने कभी पर्सनली मुझसे कोई बात नहीं करी, बट मुझे हमेशा होता था कि जैसे हम सुनते थे और लोगों से कि इनसे गुरु जी तो भगवान है, इनसे बात करके क्या, इनको तो सब कुछ पता है तो आप क्या बात करोगे गुरु जी से। तो दिस वॉज ऑलवेज इन माई माइंड एंड मैं कभी गुरु जी से बात नहीं करती थी। बट जैसे ही मैं
सोचती थी, कुछ कुछ सोचती रहती थी दिमाग में, जब बैठती थी एम्पायर स्टेट में गुरुजी के सामने, या कभी पीछे बैठती थी, कभी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जगह मिलती थी, कभी सीढ़ियों में मिलती थी जगह। बट वो एक जगह, एक सुकून होता था उस जगह के अंदर जब आप जाते थे, और जब आप जाते हैं वहां पे बैठते हैं, तो एक अलग ही डायरेक्शन, एक अलग ही आ, आ, पूरा उस एरिया का अपना ऑरा होता था। तो कभी कभी मैं गुरुजी की तरफ देखती थी, तो देखती थी कि गुरुजी मेरी तरफ तो नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे करते करते टाइम बीता। तो वन फाइन डे मेरे अंकल कहते, ही वॉज वर्किंग विद अ कंपनी एंड ही वॉन्टेड टू चेंज। तो वो कहते, आज तो मैं गुरुजी से बात करते रहूंगा। तो मैं उनको पूछती हूँ कि आप क्यों बात करोगे, वो तो भगवान है, उनको सब कुछ पता है। और मैंने ये सुना है कि गुरुजी से अगर बात करो तो जो चीज आप मांग रहे हो वो मिल जरूर जाती है, अगर आपकी किस्मत में है तो मिल जरूर जाती है, लेकिन कुछ टाइम लगता है। तो अगर आप अपने मन में ही रखो वो बात और गुरुजी के सामने अरदास करो तो जल्दी हो जाती है। तो ये सही कि नहीं, मैं बिना बात के कैसे बात, मुझे कैसे पता चलेगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि उनको पता चल गई मेरी बात, एंड हाउ डू आई नो ये लिविंग गॉड है। तो जब हम लंगर कर लिया हमने, हम वापस गए अंदर गुरु जी से आज्ञा लेने के लिए। तो गुरु जी के चरण स्पर्श किए और कहते हैं गुरु जी को, गुरु जी मुझे ना जॉब चेंज करनी है। तो गुरु जी कहते, आप देखकर मुझे आज भी याद है, आई कैन स्टिल विजुअलाइज दैट डे। गुरु जी कहते हो जाओ। फिर कहते कितने काम करता है, तो ही सेज कि गुरु जी विंडशील्ड एक्सपर्ट में ओके होता है। तो कहते गुरु जी जो तो आपकी गाड़ियों के शीशे हैं ये विंडशील्ड एक्सपर्ट बनाती है, मैं उस कंपनी में काम करता हूँ एंड आई नीड टू हैव अ चेंज। तो ही हैड वर्क इन न्यूयॉर्क एंड डिफरेंट कंपनीज एंड देन अभी इंडिया में आए थे, तो इंडिया में ही वॉज वर्किंग फॉर विंडशील्ड एक्सपर्ट एंड ही वॉन्टेड टू चेंज। तो गुरु जी कहते हो जाओ। हम उस दिन बाहर आ गए और भाटिया आंटी हमारे साथ थे और कहते गुरु जी तो किसी से बात नहीं करते, आपसे बात करिए बहुत बड़ी चीज है, तो आप देखना ये होगा आपका। अच्छा ठीक है। मैं गुरु जी के पीछे, जब मेरे हस्बैंड मेरे अंकल जब ये गुरु जी से बात कर रहे थे, तो आई हैड एक्चुअली डिलीवर्ड अ बेबी इन 2004 एंड आई हैड टेकन अ ब्रेक फ्रॉम दैट कंपनी। तो मैं गुरु जी से कह रही हूँ कि गुरु जी मुझे ना अंदर से बोल रही हूँ मन में, गुरु जी मुझे चेंज करनी है, मुझे जॉब दिलवा दो, मैंने तो ब्रेक ली थी, आई वॉज वर्किंग फॉर ऑस्ट्रेलियन कंपनी और मेरी बेटी हुई, तो आई हैव टेकन अ ब्रेक, तो मुझे भी एक जॉब दिला दो क्योंकि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ और एक कंपनी में इंटरव्यू दे चुकी हूँ 7 टाइम एंड आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू गेट सिलेक्टेड एज एमएनसी। मतलब जब मैं वापस आई घर में, तो आप बिलीव कीजिए कि 2005 टू दिस वाज 2006 जब हम घर आए वापस, तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिस कंपनी एंड केन एनर्जी, इट्स ऑयल एंड गैस कंपनी. आई हैड ऑलरेडी गिवन इंटरव्यू 7 टाइम्स ओवर देयर. और उस दिन जब मेरे अंकल गुरुजी से अरदास कर रहे थे कि गुरुजी मेरी जॉब चेंज कर दो, तो मैं अपने मन में गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी मेरे को भी जॉब दिला दो. इट्स बीन अ लॉन्ग वाइल, आई हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम 2005 टू 6. तो इस कंपनी में मैंने इंटरव्यू जो दिया था, शाम को जब हम वापस आए लंगर करके, आप सोचो कि 9:30 के आसपास हुआ होगा टाइम. हम जब वापस आए तो एचआर वाले मुझे फोन करके कहते हैं, कैन यू ज्वाइन अस फ्रॉम मंडे. तो मैंने कहा, वाओ, इट्स सो अर्ली, और आप रात को मुझे फोन करके बोल रहे हो कि मंडे से ज्वाइन कर लो. दैट वाज आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे था जिस दिन हम गए थे मंदिर एम्पायर स्टेट में. एंड मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी आपने इतनी जल्दी आपने मेरी मन की बात पूरी कर दी. एंड मेरे अंकल मुझे कहते हैं, मैंने तो गुरुजी से मांगा था, मेरे से पहले तो तेरा काम हो गया. मैंने कहा, देखो यही बात मैंने आपको बोली थी, आप मन में बोलो तो गुरुजी तो भगवान है, सब पूरा कर देते हैं. दिस कंपनी वॉज अमेजिंग. आई हैव येट टू सी अ कंपनी लाइक दैट. ऑल द फैसिलिटीज एंड द प्रोफाइल विच वॉज गिवन टू मी वॉज एक्सलेंट. आई वर्क विद देम फॉर 9.5 years, वेर आई ऑल्सो हैड सेकेंड डिलीवरी ऑफ माई सेकेंड डॉटर. एंड द इंटायर टेन्योर ऑफ 9.5 years विद दिस कंपनी वॉज अमेजिंग. मतलब गुरु जी अगर कुछ देते हैं तो वो आप मतलब आपके इमेजिनेशन से इतना दूर होता है और इतना खूबसूरत होता है कि बयान नहीं हो सकता.
सो आप ये सोचिए कि वो 9.5 ईयर्स मेरे कितने बेहतरीन 9.5 ईयर्स थे, जिसमें मुझे प्रमोशन, मुझे बोनस, ईसॉप सब कुछ मिला जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था और शायद मैं उसके काबिल भी नहीं थी। आज के दिन में तो मैं यही कहूंगी। और मैं ये कहती हूँ कि जब मेरे अंकल उनसे बात करते थे तो मुझे कभी कभी लगता था मैं क्यों नहीं इनसे बात करती हूँ। और आज की डेट में ये बात सच है, मैं कितनी बार सोचती हूँ कि मैं गुरुजी से क्यों नहीं बात कर पाई जब वो बैठे होते थे वहां एम्पायर स्टेट में, हम जाते थे, मैं खाली उनको देखती रहती थी और कभी बात नहीं करी, या कभी उन्होंने भी कोई मतलब जरूरत नहीं होगी तो शायद इसलिए उन्होंने भी कभी बात नहीं करी। अच्छा, फ्यू डेज पास्ड बाय, दिस वॉज इन 2006, फ्यू डेज पास्ड बाय, तो हम दोबारा गए एम्पायर स्टेट में और जैसे ही हमने लंगर किया, हम गुरुजी से आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी मेरे अंकल को कहते हैं कि आंधा रा करी, जो गुरुजी ने उस टाइम पे बोला। तो गुरुजी को पता होता कि जैसे गुरुजी कहते थे दीवार के उस पासे की है, थानू नहीं पता मैनू पता है। सो इट इज लाइक उस टाइम पे जो दीवार के उस पासे था, उस टाइम पे शायद हमें नीड इतनी नहीं थी, तो गुरुजी ने तब बोला कि आंधा रा करें, क्योंकि किसी को जरूरत जल्दी होती है तो गुरुजी उसको पूछते भी है कि कितनी बार आएगा हफ्ते विच। तो जैसे गुरुजी ने बहुत लोगों को पूछा भी है कि कितनी बार हफ्ते विच आएगा, दैट मीन्स कि उसको इमिजिएट जरूरत है आने की और कुछ अपने कर्म काटने की। तो लाइक मेरे अंकल को बोला आंधा रा करी। सो The time passed by. Now I'm jumping from 2006 to 2020. So we had a sorry 2015. So 2015 I quit my job. And हाँ, जो गुरुजी ने मेरे अंकल को बोला था कि हो जाओ, so he got the opportunity to work with Dr. Lal's Path Lab and become a president over there. And he worked there for many years. Then he became a CEO for a Metropolis company, which is very renowned in South area, Bombay वगैरह side में, pathology company में. So वही आप मतलब सोच नहीं सकते कि गुरुजी जो आपको देते हैं वो इतना खूबसूरत, इतना अच्छा होता है कि it is beyond your imagination. But 2015 when I quit my job, so 2016 he also somehow had to quit his job. So we were in a very ग्रेट डिस्टिंक्ट, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि गुरुजी ने हाथ थामा हुआ था। सो जो भी गुरुजी ने उनको उस टाइम पे दिया, हम जो आज जी रहे हैं, हम उन्हीं का खा रहे हैं और उन्हीं की बदौलत हम जी रहे हैं। सो 2019 में माई अंकल गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर IT company and become a CEO of that company in Chennai. तो वो चेन्नई के लिए चले गए और मैं यहाँ पे गुड़गांव में with my two daughters उनके साथ थी। Now my elder daughter was giving board exams, so 10th के board के exams के लिए वो वापस मेरे अंकल आए in February 2020. Not knowing what is going to fall in place, COVID आ गया था। 2020 मार्च में बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए मेरी एल्डर डॉटर के, एंड जैसे मार्च, आई थिंक मार्च 18th या 19th को खत्म हुए थे बोर्ड के एग्जाम्स 10th के, और 21st-22nd को कोविड डिक्लेयर हो गया था इंडिया में एंड एवरीथिंग वाज क्लोज डाउन। सो दिस हैपेंस इन 28th August। जो गुरुजी ने उस टाइम पे कहा था कि आंधा रा करी, 2005-6 में जो गुरुजी ने हमें बोला था आंधा रा करी, उसका कनेक्शन बिल्ड अप, वो जो डॉट्स हम जॉइन करते हैं उसका मतलब हमें अब पता चलता है। जैसे 2020 28 अगस्त कोविड डिक्लेयर हो चुका था, हमारे घर में कोई हेल्प नहीं थी, हमारी जो हेल्प थी वो ऑलरेडी गई हुई थी कहीं पे टू कैलकटा, एंड बच्चे वर्चुअल अपना पढ़ रहे थे, एंड माई अंकल वॉज डेफिनेटली हेयर विद मी। मैं अपने फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पे खड़ी थी, एंड उससे पहले मेरी डॉटर वहां पे, एल्डर वाली डॉटर वहां खड़ी थी, शी हैड टेकन आउट क्लोथ्स फ्रॉम द वॉशिंग मशीन एंड वॉज टेलिंग हर तुम जाके बाहर डाल दो,
और क्योंकि सारा काम खुद ही करना पड़ता था कोविड के टाइम पे, सो वो गई उस टाइम पे जब उसकी क्लास स्टार्ट होने वाली थी। सो मैं बाहर गई बालकनी में और मैंने उसको पुश किया अंदर कि तुम जाओ, तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो गई है। एंड इस ड्यूरेशन में शी मस्ट हैव टेकन अबाउट 10 स्टेप्स इनसाइड द हाउस। हमारा खुद का बंगलो था डीएलएफ फेस 4 के अंदर एंड इट वॉज 3 फ्लोर्स विद द बेसमेंट। अचानक से समथिंग हैज हैपेंड एंड आई वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर। देखा तो पता चला कि सेकेंड फ्लोर की बालकनी कोलैप्स होके फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पे गिरी और फर्स्ट फ्लोर पे मैं थी और मुझे लेकर वो आई ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट लेवल पे। संगत जी वो दिन ऐसा था कि मैं बयान नहीं कर सकती, आई शुड कॉल माई सेल्फ अ लकी लेडी। मेरे अंकल ने ये सारा कुछ नजारा देखा जब मैं नीचे जा रही थी, नीचे गिर रही थी, बट गुरुजी ने अपना हाथ थामा हुआ था और मैंने मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे खाली लास्ट ये पता है कि मैंने अपने डॉटर को धक्का मारा है अंदर कि आप जाओ अंदर जाके पढ़ो, तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो गई है, दैट वाज 11th क्लास एंड यू गो एंड स्टडी एंड मैं डाल दूंगी कपड़े। दिस इज ऑल व्हाट आई रिमेम्बर। गुरुजी ने वो पूरा एरिया ब्लैंक कर दिया, मैंने अपने आप को बिल्कुल भी नहीं देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट एज सून एज आई गेन कॉन्शियसनेस आई सी माई अंकल स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम मुझे बोल रहे हैं कि गुरुजी का नाम लो, मेरे को नहीं पता मैं तुम्हें कैसे निकालूंगा। और मैं देख रही हूँ कि मैं ये सारा मलबे के अंदर कहाँ फंसी हुई हूँ, मैं कहाँ हूँ ये। एंड देन आई सी कि सेकेंड फ्लोर की जो बालकनी है वो फर्स्ट फ्लोर पे गिरी और ये सब कुछ मेरे मेरे ऊपर गिरा हुआ है, मैं उस सबके अंदर फंसी पड़ी हूँ। एंड बहुत लोग आए कोविड में, जब कोई किसी की हेल्प करने के लिए नहीं आता था, मेरे घर में 100 से ऊपर लोग थे मुझे निकालने के लिए। ऑल माई नेबर्स सब वहां पे पहुंचे हुए थे, सब तरीके ढूंढ रहे थे कि कैसे निकाला जाए। टू कट इट शॉर्ट, किसी तरीके से उन्होंने मुझे निकाला। इट टुक देम नियरली अबाउट 45 मिनट्स टू 1 आवर टू पुल मी आउट फ्रॉम दैट डेब्री। मेरे पूरी बॉडी के ऊपर एक भी खून का तरका नहीं था, कोई एक निशान नहीं था। मोस्ट ऑफ देम दे हैड थॉट कि आई एम ऑलरेडी डेड, क्योंकि मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस थी, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा था मेरे आगे पीछे। एंड जब मुझे निकाल के लोग लेकर जा रहे थे तो जैसे एक अर्थी को लेकर जाते हैं हाथ में उठा के कंधा देके, लिटरली मुझे ऐसे लोग लेकर बाहर से अंदर आ रहे थे कमरे के अंदर, बाहर बालकनी जहां गिरी हुई थी उसे उठा के मुझे घर के अंदर लेकर आ रहे थे। एंड सडनली मुझे कॉन्शियसनेस आया एंड आई गेन कॉन्शियसनेस एंड सेड कि मुझे दर्द हो रही है तो थोड़ा सा धीरे मुझे उठाओ। तो हमारे पास में एक नेबर्स हैं जो डॉक्टर थे, तो शी वॉज अपसेट एंड शी स्टिल मतलब शी हेल्प मी आउट अ लॉट इन माई इंटायर टाइम, बट उसको ये लगा कि शायद मैं हूं नहीं, तो वो टर्न करके, मैं बची नहीं हूं तो वो टर्न करके जा रही थी। तो जब उसने मेरी आवाज सुनी उन डॉक्टर ने, तो वो फटाफट आ गई, उन्होंने पूरा रूम क्लियर किया, एम्बुलेंस वगैरह आ चुकी थी सारी, उन्होंने रूम क्लियर किया। और रूम क्लियर करने के बाद में मुझे पूछा कि तुम ठीक हो, तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, आंखें नहीं खुल रही थी, तो मेरे को अपना उन्होंने वो फिंगर पकड़ा के थाम मेरे हाथ के अंदर, बोला इसको प्रेस करो। तो मुझे कहती है बार बार प्रेस करो, मैं करती जा रही थी प्रेस, तो मुझसे जितना प्रेस हो पा रहा था मैं उनको कर पा रही थी। एंड शी न्यू कि बीइंग अ डॉक्टर शी न्यू कि अगर ये प्रेस कर पा रही है दैट मीन्स शी इज कॉन्शियस। एंड मैं उनको देख रही हूँ कि मेरे लेफ्ट वाले पैर के अंदर मेरा शू नहीं है, लेकिन मेरे को कोई सेंसेशन नहीं आ रही वहां पे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा जो लेफ्ट वाला पैर था उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था। I understood by that time that what I have faced and where I am from where they have pulled me out, वो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि एक घंटा जब ये मैं फंसी हुई थी उसमें और वो लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे मुझे, तो बहुत बार बीच बीच में आंखें खुलती थी फिर बहुत बार बंद हो जाती थी। बट इनिशियली जब मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा और बच्चों ने देखा तो वो कहते हैं कि मम्मा आप तो नजर ही नहीं आ रहे थे, मलबे में इतने फंसे पड़े थे, वो पूरा कंक्रीट इतना गिरा हुआ था आपके ऊपर कि आप तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। एंड वी फॉर अ मोमेंट थॉट दैट मामा वी हैव लॉस्ट यू।
एंड कहते कि मेरे हस्बैंड ने धीरे धीरे करके ऊपर से पत्थर निकालना शुरू किया, तो मैंने धीरे से हाथ रेज किया. दिस इज व्हाट आई कम टू नो. मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है. सो वो कहते हैं कि मैंने हाथ बाहर निकाला एंड वहां से उन लोगों ने निकालना अपना ये कॉन्क्रीट हिलाना शुरू किया. आप सोचो कि कितने बड़ा ये मैसिव बालकनीज कितने टन्स की होती है. ये सारे मतलब ऊपर वाली जो बालकनी थी दैट वाज मोर देन 5000 टन्स, वो सारे के सारे मेरे ऊपर गिरी हुई थी, तीन बालकनीज. और कितना ही मतलब कितनी भी मजबूत बालकनीज हों, जब किसी के ऊपर गिरे तो कुछ ना कुछ तो टूटेगा ही ना. लेकिन जैसे खून का एक कतरा नहीं था तो निकला हुआ, तो उस तरीके से तो मतलब गुरुजी ने मतलब मुझे ये याद है कि जैसे मेरे अंकल ने मुझे बोला कि मैं तुझे कैसे निकालूंगा मुझे नहीं पता, तो गुरुजी का नाम ले एंड आई स्टार्टेड रिसाइटिंग ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय. दीज वर द फर्स्ट वर्ड्स व्हिच केम आउट ऑफ फ्रॉम माय माउथ. और गुरुजी ने मुझे वहीं पे पकड़ लिया होगा. एंड उसके बाद में आई वॉज अनकॉन्शियस फॉर बीच बीच में 45 मिनट्स के अंदर. वो जब वो मुझे निकालने की कोशिश कर रहे थे बीच बीच में कॉन्शियसनेस आ रहा था, बीच बीच में होश आ रहा था और बीच बीच में जा रहा था. सो पीपल थॉट कि इट्स बीन 45 मिनट्स, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, वी मस्ट हैव लॉस्ट हर. पर जब आवाज निकाली मैंने कि मुझे दर्द हो रही है, और जब ये डॉक्टर साहब आए, हम जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर और कहते हैं एम्बुलेंस आई. तो हम हॉस्पिटल जब पहुंचे तो डॉक्टर कहते हैं कि आप किस तरीके से गिरे हो हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पास आपके जितने भी यू हैव हैड मल्टीपल फ्रैक्चर्स. डॉक्टर साहब मुझे अभी भी याद है वाज इन आईसीयू एंड ही सेज कि आपको पता है मिसेस कॉल आपको पता है क्या हुआ है आपको. तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है. तो कहता है आपको ना मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं. तो मैं सोचती हूँ कि मैं तो लेती हुई हूँ सीधी साधी और कोई फ्रैक्चर कोई प्लास्टर नहीं लगा हुआ, तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, तो और कहीं खून का निशान नहीं है, ये क्या बोले जा रहे हैं. तो कहते हैं आपको पता है आपको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, लेकिन पूरी इस एक्सीडेंट का ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर एक्सीडेंट वॉज कि जितनी बोन्स टूटी थी स्पाइन में स्प्लीन में रिब्स में पेल्विक जॉइंट, इतने सारे फ्रैक्चर्स थे, लेकिन वो सारे के सारे फ्रैक्चर्स जो थे वो टूट के वहीं थे, डिसलोकेट नहीं हुए थे. सो द एंटायर ब्यूटी ऑफ दिस एक्सीडेंट इज कि गुरुजी ने इतने प्यार से थाम के रखा था कि डॉक्टर ने बोला कि आपको प्लास्टर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको खाली लेटे रहना है टिल योर बोन्स गेट दे जॉइन एंड यू गेट हील्ड. एंड मैं सोच रही हूँ कि ये बोल भी क्या रहे हैं, कि मैंने तो आज तक ये कभी सुना नहीं है कि कोई गिरा हो और उसकी बोन्स डिसलोकेट ना हो, इस तरीके से कोई गिरा हुआ हो. वो कहता है ये हम खुद परेशान हैं सुन के कि आपकी जब हमने स्टोरी सुनी है कि आप कैसे गिरे हैं फ्रॉम द डॉक्टर्स जो मुझे लेकर गई थी डॉक्टर हमारी जो नेबर थी. तो कहते हम तो खुद परेशान है सुन के कि आप गिरे जिस तरीके से हो, तो आपका तो यू आर सेव्ड, आपको किसी ने बचाया है. देखो आपके सर पे कुछ नहीं गिरा, आपका कोई ऐसे पार्ट नहीं है जो भगवान करे जैसे लोगों के एम्पिटेट हो जाता है, कहीं कुछ नहीं हुआ है, आपके खाली मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं और वो भी खाली डिसलोकेट नहीं हुए हैं, सारे के सारे वहीं के वहीं हैं. सो यू हैव टू कीप लाइंग डाउन ऑन द बेड. और मुझे कुछ एहसास हो रहा था कि मेरे लेफ्ट फुट के अंदर कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा वहां पे. एंड लेटर ऑन मतलब इतना पेन किलर्स दिए हुए थे उन्होंने कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लेफ्ट फुट में कुछ गड़बड़ है या नहीं है. सो बाय द टाइम अनदर डे और सो पास्ट एंड माय ब्रदर मेरे पेरेंट्स मेरी मदर सब लोग वहां पे आ गए थे हॉस्पिटल में देखने के लिए. मेरे फ्रेंड्स कहते हैं ना फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ऐसे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो अपना ऑफिस छोड़ के मेरे पास दिन रात मेरे साथ रहे. एंड दैट टेन्योर वाज समथिंग वेरी डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट, बट गुरुजी ने इतना संभाल के रखा था. मुझे जब घर में लाया गया आफ्टर अबाउट 8 days और 9 days घर में लाया गया, तो घर में पूरा एक आईसीयू सेटअप था, हॉस्पिटल का बेड था एंड विद कैथेटर ऑन एंड पूरा ईसीजी मशीन वगैरह विद ऑक्सीजन एवरीथिंग, पूरा एक आईसीयू पूरा मेरे घर के अंदर सेटअप हो रखा था बिकॉज ऑक्सीजन लेवल हैड लो डाउन.
कभी मैं कभी भी मैं जैसे परेशान होती थी तो कोई ना कोई, जैसे वहां पे पीकॉक्स होते थे हमारे घर के पास, वो आके एसी के बैक यूनिट पे, विंडो एसी के बैक यूनिट पे बैठ जाते थे और गुरुजी अपने दर्शन दिखाते थे कि मैं तेरे साथ हूं, तू क्यों परेशान है। कभी बटरफ्लाईज आती थी, अगेन गुरुजी यूज्ड टू से कि मैं हूं तेरे साथ, तू क्यों परेशान है। एंड वो टाइम कैसे निकला, सो आई वॉज ऑन बेड फ्रॉम 28th of August टिल नवंबर एंड, और एंड देन और टिल December 24th। सो अगस्त से लेकर December 24th आई वॉज ऑन बेड। इतने टाइम में कितनी बार ही हॉस्पिटल जाना हुआ, और क्योंकि मेरे फ्रैक्चर्स ऐसे थे कि मुझे मेरे लिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेचर लेकर आना पड़ता था, जिसके ऊपर चढ़ना मुझे बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। मुझे उठा के पूरी बॉडी लिफ्ट करा के एक साइड में करना पड़ता था। इट वॉज अ स्टील स्ट्रेचर बिकॉज ऑफ दीज फ्रैक्चर्स। सो बहुत बहुत डिफिकल्ट टाइम था। बट जैसे हम, मैं कभी कभी सोचती हूँ, जैसे गुरु जी कहते हैं कि मैं तो 90% खुद लेता हूँ, 10% तुमको देता हूँ, तो मैं कभी सोचती हूँ कि 10% मैं झेल नहीं पाती थी, गुरु जी वो 90% कैसे झेलते होंगे। बट वो तो भगवान है, हम दुनिया पूरी हमारी उनके ऊपर ही निर्भर है। सो वो 10% कैसे निकल गए, कैसे वो तकलीफ निकल गई। आज की डेट पे मैं कभी कभी अपने बच्चों से बात करती हूँ कि मुझे वो कभी कभी टाइम पूरी तरीके से याद नहीं आता कि क्या क्या हुआ उस टाइम पे, लेकिन जब मैं अपना पुराना सत्संग सुनती हूँ तो मुझे वो सारी बातें याद आ जाती हैं। और कभी कभी तो मैं बहुत रो भी पड़ती हूँ कि कैसे गुरुजी ने मुझे संभाल के एक तरीके से निकाला बाहर। मेरे ही कर्म रहे होंगे कोई ऐसे, जो उन कर्मों को गुरुजी ने शायद खत्म करना होगा और इसीलिए ये एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गुरुजी ने उसमें भी हाथ थामे रखा। आज की डेट में मेरी सारी बोन्स हील्ड अप है, लेकिन इम्पैक्ट ऑफ दिस एक्सीडेंट वाज कि आई हैव गॉट अ ट्रॉमेटिक हर्निया। इट इज 1 in 1 million केसेस। मेरा जो हर्निया है इट इज टुवर्ड्स द स्पाइन। यूजली हर्नियाज हैपन इन द फ्रंट साइड, ये बैक की साइड में है, टचिंग जस्ट लिटिल फार अवे फ्रॉम द स्पाइन। इसकी सर्जरी एक बार हो चुकी है लेकिन इट हैज फेल्ड। आज की डेट में गुरुजी इज माय डॉक्टर एंड मैं गुरुजी को अरदास करती हूँ कि गुरुजी किसी तरीके से ये आपने देखना है कि कैसे होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट सर्जरी, इंडिया में बहुत बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो जिन्होंने कभी ऐसी सर्जरी करी हो, ट्रोमेटिक हर्निया वाली, बैक साइड वाली। एंड इवन अब्रॉड के अंदर बहुत कम डॉक्टर्स हैं जिनका ये सक्सेसफुल केस रहा है। सो वंस इट हैज फेल्ड, और टॉप मोस्ट डॉक्टर ने किया था ये मेदांता में, वंस इट हैज फेल्ड तो अब मुझे भी थोड़ा डर लगता है कि बिकॉज आई हैव नोन समबडी जिन्होंने ऐसे ही ट्रोमेटिक हर्निया जिनका हुआ था और उन्होंने 3 बार अपना सर्जरी कराई एंड टुडे ही इज लाइंग डाउन ऑन बेड। सो आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर अनदर सर्जरी। तो मैं गुरु जी को खाली यही अरदास करती रहती हूँ कि गुरु जी आप मेरे डॉक्टर हो, आपने देखना है कि कैसे इसको क्या होगा इसका, मैं आई हैव टोटली सरेंडर टू यू। सो दिस इज वन थिंग। बिफोर माई एक्सीडेंट आई हैड थायरॉयड, दिस आई एम कन्वेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी ऑफ द सत्संग। आई हैड हाइपोथायरॉयड, व्हेन आई फेल डाउन मेरा थायरॉयड खत्म हो गया। सो दैट टाइम डॉक्टर्स हैड टोल्ड मी कि आपने ये मेडिसिन नहीं लेनी है थायरॉयड की, बिकॉज योर थायरॉयड लेवल हैज लिटली गॉन डाउन। एंड करते करते थायरॉयड का टेस्ट मेरा हर महीने होता था, फिर हर क्वार्टरली होने लगा, फिर एनुअली होने लगा। आज की डेट में आई डोंट हैव थायराइड एंड आई यूज्ड टू आस्क गुरुजी कि गुरुजी इसकी तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी है। बिफोर दिस कॉल आई यूज्ड टू से गुरुजी इसकी तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी है, इसके रिपरकशंस कितने होते हैं मुझे नहीं खानी है, आप किसी तरीके से देखो और देखो कैसे आफ्टर दिस कॉल ये मेरा थायराइड भी चला गया। टूडेज डे आई जस्ट आई एम सफरिंग विद माई लेफ्ट फुट विच इज 80% डेड, बट आई एम वॉकिंग। नो वन कैन मेक इट आउट दैट आई हैव सच प्रॉब्लम। आई हैव ब्रोकन स्पाइन बोन्स, बट दैट ऑल्सो नो वन कैन मेक आउट।
आई वॉज वर्किंग, आई गॉट अ जॉब अपॉर्चुनिटी जस्ट आफ्टर 1 year ऑफ माई एक्सीडेंट, दैट वॉज 22nd August 2021, वेर आई वॉज वर्किंग ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, गोइंग टू ऑफिस, ड्राइविंग माई कार एंड गोइंग टू द ऑफिस, सिटिंग देयर फ्रॉम 9 to 6 एंड देन कमिंग बैक इन द कार, थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाती थी, बट गुरु जी की मेहर है, गुरु जी को कितना भी शुक्राना करूं, मेरे पास लवर्स नहीं है उसके लिए, कोई लफ्ज नहीं है उसके लिए, वो वर्ड ही बहुत कम है शुक्राना, कितनी बार भी कर लूं कम है। एंड माई अंकल ऑलवेज यूज टू टेल मी, यू टेक दिस जॉब बिकॉज ये तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट करके रखेगा, एंड दैट इज वॉट हैपेंड 2021 में 24th ऑगस्ट को आई पिक्ड अप दिस जॉब, घर में बैठे बैठे ही आए, एंड सो आई वॉज वर्किंग देयर एज अ इंडिया HR कंट्री हेड, एंड I've just quit it in January again due to my own reasons, and that was also a beautiful tenure. So आज की डेट में ये हर्निया है, और जो हर्निया जब मैंने ये न्यू जॉब भी ज्वाइन करा, किसी को नहीं पता था मेरे ऑफिस में कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है. इनफैक्ट व्हेन आई वाज लीविंग द ऑफिस, व्हेन आई हैड गिवन अप माय रेजिग्नेशन, दैट वाज द टाइम व्हेन पीपल केम टू नो दैट आई हैव गॉन थ्रू सच अ बिग प्रॉब्लम. और मेरे अंकल इन बिटवीन बोलते रहते थे कि तुम उनको बोलो कि तुमको ऐसे एक्सीडेंट हुआ है और तुमको अभी 1 साल ही हुआ है खाली, ये इतना तुमने देखा है सब कुछ, यू हैव गॉट अ सेकेंड लाइफ, तुमको बोलना चाहिए. सो आई यूज टू ऑलवेज टेल हिम कि मुझे बेचारा नहीं बनना, मुझे गुरुजी ने थामा हुआ है, लोग क्या करेंगे, लोगों ने कुछ नहीं करना है, गुरुजी है वहां पे, गुरुजी ही देख रहे हैं सब कुछ. एंड मतलब आज की डेट में आई एम टोटली सरेंडर टू गुरुजी की, गुरुजी कभी भी आपने मुझे जब बुलाना है अपने पास, आई एम रेडी, बट मेरे को खाली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने देना. सो दिस वॉज अ ट्रेजिक थिंग विच हैपेंड विद अस जस्ट इन कोविड टाइम. आज की डेट में एक सुकून है कि आई एम अलाइव विद माई सेकेंड बर्थ. आई कॉल माई सेल्फ अ लकी लेडी मेनी अ टाइम्स टू मेनी पीपल कि मैं ऐसी हूं कि गुरुजी ने कितना प्यार से मुझे रखा हुआ है, मुझे अपने हर्निया की भी महसूस नहीं होता क्योंकि आई वेयर अ बेल्ट एवरी डे, और कितना है मैं 5-6 घंटे भी वॉक करके आ जाती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता, लेकिन वंस विदाउट अ बेल्ट आई डू कम टू नो इमिजिएटली, नंगे पैर मैं नहीं चल सकती, तो कभी बड़े मंदिर भी जाती हूँ तो बोल देती हूँ अंकल को कि अंकल मैं नहीं जा सकती हूँ चल के, वो भी मान जाते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है आप अंदर चले जाइए कार लेकर. बहुत बहुत मेहर है मालिक की कि आज की डेट में मैं चल रही हूँ विद 80% ऑफ माई लेफ्ट फुट डेड, विद ब्रोकन बोन्स ऑन द स्पाइन साइड एंड विद दिस हर्निया, अंजर पंजर ढीले है पर अंदर से मन पूरा तगड़ा है कि गुरुजी है वहां, गुरुजी ने पकड़ा हुआ है. सो दिस इज वन सत्संग विच आई जस्ट शेयर विद यू. आई विल शेयर अनदर सत्संग. इन गुरुजी के बहुत बहुत सारे हैं ब्लेसिंग्स, बहुत सारी है, सोचने पे आऊं तो कितनी ही सारी है. एक बार ऐसे ही कभी सुना था कि बड़े मंदिर में इनविटेशन आता है, जब आप बड़े मंदिर में आरती के लिए इनविटेशन आता है, तो कहीं सुना था, कहीं दिमाग में ये बात रह गई. मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी मेरे को भी कभी ऐसा मौका मिलेगा कि मैं आऊंगी बड़े मंदिर और ऐसे मैं आरती करूंगी. सो 1 January 2019, 1 January इज माई बर्थडे एंड गुरुजी हैज गिवन मी अ सेकेंड बर्थ ऑन 28th of August. सो दिस डे ऑल्सो आई सेलिब्रेट एज माई बर्थडे, और जो मेरा अपना दिन है दैट इज 1st of January. तो 2019 बिफोर दिस एक्सीडेंट हम बड़े मंदिर गए, 2:30 बजे के आसपास गए होंगे, एंड हम वहां पे परिक्रमा कर रहे हैं और शशि मोहन का ये चल रहा है अपना शुक्राना का सत्संग भजन चल रहा है, एंड अचानक से जब हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं दरबार के अंदर जाने के लिए, सब कुछ बंद हो गया और आरती स्टार्ट हो गई, एंड पौड़ियां चढ़ी ऊपर और मैं अपने अंकल का हाथ पकड़ रही हूँ जोर से, और मैंने उनको बोला कि इस टाइम पे आरती कब होती है, हमने तो कभी नहीं देखी. तो वो उनको मेरा पता था कि मैंने ये बात उनसे शेयर करी हुई थी कि बड़े मंदिर में बुलाते हैं ऐसे,
आरती के लिए। तो हम वहां गए अंदर, तो अंकल जो आरती करवा रहे थे, मैंने उनको बोला अंकल मुझे भी आरती कराने का, आरती की थाली मैं भी गुरु जी के वहां पे कर सकती हूँ आरती इस पे। तो कहते नहीं आंटी बहुत भीड़ है, आप जाओ। एंड मैं अंदर गुरु जी के कमरे की तरफ, जैसे ही अंदर की तरफ गई हूँ, दिस इज गुरु जी के बड़े मंदिर में दरबार के अंदर, जैसे ही मैं कमरे की तरफ अंदर गई हूँ, तो पीछे से आके मेरे शोल्डर को टैप करके कहते हैं आंटी आ जाओ आ जाओ, आप ये आरती की थाली ले लो, आप यहाँ पे आरती कर लो। देखो देखो कि आप कितने सोचते हैं आप मन में एक बात, और गुरु जी इसको कैसे फुलफिल करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमारे दिल को इतनी इतना प्यार दे जाती है ना, इतना प्यार गुरु जी हमसे करते हैं कि ये छोटी छोटी बातें भी फुलफिल करते हैं। देखिए कितना जल्दी, मतलब कितना मैं सोच ही रही थी उस टाइम भी कि 2:30 बजे कब दोपहर को आरती होती है, और ये आरती क्योंकि मैं सोच रही थी तो देखो वैसे ही हो गया। और क्योंकि वो इनविटेशन होता है तो अंकल ने पहले मना कर दिया कि नहीं आप, भीड़ बहुत है तो आप अंदर चले जाइए। और जैसे ही मैंने अंदर की तरफ कदम रखा और उन्होंने पीछे से आके इनवाइट किया कि आइए आंटी, आप आके आरती की थाली पकड़िए और ये आप पूजा कर दीजिए। तो दीज आर स्मॉल स्मॉल ब्लेसिंग्स, गुरु जी हमारे साथ हैं, साथ में चलते हैं। कितनी बार तो नजारे दिखाते हैं गुरु जी, कितने ही नजारे दिखाते हैं दिन में, तो पता नहीं कुछ, मतलब आप याद करते रहो गुरु जी को सारा टाइम। देन अभी रिसेंटली माय डॉटर हैड गिवन 12th बोर्ड एग्जाम्स एंड शी हैड गिवन सीयूईटी का एग्जाम, जिसका रिजल्ट नहीं आया था। दिस वाज लास्ट टू लास्ट ईयर, जिसका रिजल्ट नहीं आया था। तो हमने इसका साइमल्टेनियसली अपनी येलो डॉटर का बैंगलोर में एडमिशन करा दिया। ये फर्स्ट टाइम जब फ्लाइट में गई तो मुझे कहती है फोन करके, मम्मा विस्तारा फुल है फ्लाइट, इसमें पूरा का पूरा जैम पैक हो रखा है, लेकिन मेरे साथ की जो दो सीट्स है ना वो बिल्कुल खाली पड़ी है। सो मैंने उसको बोला कि ये खाली नहीं है, गुरु जी आपके साथ बैठे हुए हैं, आपने उनका ख्याल रखना है, ये खाली नहीं है फ्लाइट। तो कहते हैं अच्छा, तो चली गई वहां पे बैंगलोर, अपने आप गई अकेली, फर्स्ट टाइम गई, कॉन्फिडेंस था कि हाँ सब कुछ आगे सेटल डाउन पूरा अरेंज किया हुआ था। तो शी वेंट अलोन, गुरुजी उसके साथ गए, एंड इसने 1 महीना ही स्पेंड किया होगा वहां पे, और ये दिवाली पे आ गई वापस। जब ये दिवाली पे वापस आई तो दिस वॉज आई थिंक लास्ट ईयर ओनली, यस, ये जब वापस आई तो सीयूईटी का रिजल्ट आया, और रिजल्ट आया तो दिस केम इन नवंबर लास्ट ईयर, द रिजल्ट केम इन नवंबर लास्ट ईयर, विच वाज वेरी लेट। बाकी सारे कॉलेजेस स्टार्ट हो गए थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस कुछ भी स्टार्ट नहीं हुए थे, दे वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स टू कम। सो जब ये आई और रिजल्ट आउट आउट हुआ तो इसका आया कमला नेहरू। ये बड़ी मायूस कि मैंने तो गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी मुझे तो श्रीराम में अगर एडमिशन दोगे तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी, नहीं तो मैं तो नहीं करूंगी यहाँ पे। सो माय अंकल आल्सो सेड कि इसको जहाँ इसकी मर्जी है वहीं पे इसको पढ़ने दो। सो हमने इसको पूछा कि आप क्या करना चाहते हो और कहाँ करना चाहते हो। शी सेड कि बीकॉम ऑनर्स करना चाहती हूँ और मैं वापस बैंगलोर जाना चाहती हूँ, मैं नहीं यहाँ पे करना चाहती, अगर मुझे श्रीराम कॉलेज मिलता तो मैं कर लेती। आप ये देखिए, ये गई वापस दिवाली के बाद में, दिवाली आई थिंक लास्ट ईयर वाज इन अक्टूबर, एंड नवंबर में ये गई, यस 11th नवंबर वाज हर फ्लाइट, एंड शी गोज बैक टू बैंगलोर, एंड व्हाइल शी इज गोइंग बैक शी इज क्राइंग लाइक एनीथिंग एट द एयरपोर्ट कि मैंने तो गुरुजी को बोला था मुझे श्रीराम में दे दो एडमिशन, अगर दोगे तो मैं यहाँ पे रहूंगी, नहीं तो नहीं रहूंगी। एंड ये फ्लाइट में चली गई, इसकी इकोनॉमी फ्लाइट थी, ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गई बिजनेस क्लास में। ये वहां पहुंची बैंगलोर, और 2 दिन के बाद में इसका रिजल्ट आउट होता है कि इसको श्रीराम कॉलेज मिल गया। ये देखो आप कि बच्चे के मन में क्या बात थी और गुरुजी ने कैसे उसको फिलफिल कर लिया, मतलब मैं सोच ही नहीं पाती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये सब चीजें सोचती हूँ कि गुरुजी कितनी ब्लेसिंग आपकी है, कितना प्यार आप बच्चों को करते हैं। आप पहली बार भी उसके साथ गए कि कोई इसके माँ बाप नहीं गए साथ में, आप गए उसके साथ। मैं बड़े मंदिर में बैठी हूँ ऑल दिस ड्यूरेशन, जब उसका सेकेंड रिजल्ट नहीं आया था, श्रीराम का रिजल्ट नहीं आया था, मैं बड़े मंदिर गई और मंदिर में गुरुजी के दरबार में बैठ के
गुरु जी का वो जो काले वाले चोले में बड़ा सा स्वरूप है उसके सामने गुरु जी को अरदास कर रही हूँ कि गुरु जी मेरी आंखें तो बैंगलोर नहीं जा सकती, आप देखो कैसे करना है, आपकी आंखें सब जगह जा सकती हैं, प्लीज गुरु जी आप इसका ख्याल रखना, मेरा बच्चा पहली बार अकेला गया है, आप देखना कैसे कर सकते हो। और जब ये मैं वापस आ रही हूँ, मंदिर से बाहर निकली, जूता घर के बाहर एक अंकल खड़े थे, मल्होत्रा अंकल, जिनका मुझे अब नाम पता चला, वो मेरे सर के ऊपर हाथ रख देते हैं एज अ गिविंग एन इंडिकेशन कि जो तूने बेटा मांगा वो सब पूरा हुआ। एंड दिस कंटिन्यूड मेनी टाइम्स, जब हम बड़े मंदिर जाते थे तो वो अपना हाथ मेरे सर पे रख देते थे एंड इतना मीठा बोलते थे, मैंने आज तक किसी इंसान को इतना मीठा बोलते हुए कभी नहीं सुना। वो आज की डेट में भी इतना मीठा बोलते हैं कि मैं मतलब इंसान पिघल जाएगा उनकी आवाज सुन के, ऐसे बोलते हैं वो। और विद इन मतलब दिस वॉज जस्ट आफ्टर 11th November जब ये गई थी यहाँ से बैंगलोर, उसके आई थिंक उसी टाइम पे हम लोग बड़े मंदिर गए थे और 2 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट आया तो श्रीराम कॉलेज कॉमर्स, एंड मेरे हस्बैंड कहते हैं फटाफट इसका एडमिशन का फीस भर दो, पता नहीं कहीं गलती से तो नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने इसको श्रीराम कॉलेज दे दिया, बिकॉज दैट इज इंडियाज टॉप मोस्ट कॉलेज फॉर कॉमर्स। तो और ये वहां से रोते रोते बता रही है कि आपको पता है मेरा रिजल्ट आ गया और मेरा श्रीराम में आ गया, मैं गुरु जी को बोल रही थी कि गुरु जी मेरा आपने नहीं किया। तो देखो बच्चों के साथ कितना प्यार है गुरु जी का, कितनी ब्लेसिंग्स हैं, कितनी मेहर है गुरु जी की, मतलब अनगिनत। मेरे पास लफ्ज नहीं है, एक्चुअली नहीं है। मेरे को अगर पता होता कि मैं एक भगवान को मिल रही हूँ, जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे मैंने तो गुरु जी को कभी चरण छोड़ने ही नहीं थे, पर आज की डेट में मेरी पूरी फैमिली गुरु जी के साथ इतनी कनेक्टेड है कि कुछ भी होता है, रात को जैसे मेरे अंकल सोते हैं तो वो गुरु जी का सत्संग सुन के सोते हैं, बच्चे जो हैं वो भी गुरु जी का नाम लेकर हर रोज सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पहले गुरु जी का नाम लेते हैं। इतनी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये कि बच्चे इस उम्र में गुरु जी के साथ जुड़ गए, हम जुड़ गए, नहीं तो ऐसे बहुत लाखों करोड़ों लोग हैं जो अभी तक गुरु जी के बारे में जानते तक नहीं। सो देयर सो सो मेनी ब्लेसिंग्स, बस आप गुरु जी का हाथ थाम के रखिए, गुरु जी को मन से याद कीजिए, प्यार से याद कीजिए, गुरु जी तो बहुत प्यारे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, खाली प्यार से बात कीजिए उनसे, वो आपके मन की इतनी अच्छी तरीके से आपके मन को जानते हैं, आपका अंदर बाहर सब जानते हैं। साफ मन से साफ सुथरे जगह पे उनको रखिए और उनसे अरदास कीजिए, जो आप बोलेंगे वो सच में गुरु जी बहुत बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और हमारी ये छोटी छोटी चीजें तो हमको तो मांगना ही नहीं आता, हमें तो पता ही नहीं कि मांगना क्या होता है, हम तो छोटी छोटी चीजों में ही खुश हो जाते हैं, बड़ी चीज तो भगवान जानते हैं कि वो क्या हो सकती है। बट दिस इज अमेजिंग, मतलब जो मेरी लिविंग गॉड के बारे में बात मैंने कभी देखे नहीं थे, सुने नहीं थे, देखो आज की डेट पे आई एम टोटली टूवर्ड्स गुरु जी, चाहे जितनी प्रॉब्लम्स हैं फिजिकल में, लेकिन वो बैठे हैं वहां पे एंड आई एम ओके विद इट, अगर वो मुझे आज ले भी जाएं तो आई एम ओके विद इट, द ओनली थिंग इज दैट आई नीड टू फुलफिल माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम रेडी विद इट। उन्होंने मुझे इतना दिया कि मेरी झोली भरी हुई है आज की डेट पे। सो शुक्राना गुरु जी, मेहर है आप सबकी कि आज के सत्संग में आपने इनवाइट किया और मैं अपना सत्संग शेयर कर पाई, सो 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 थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे मालिक, मेहर, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।